Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पांचवी कक्षा के हिंदी पुस्तक पढ़ेंगे, पाठ दो, स्वामी विवेकानंद। हम सब उनके बारे में जानते हैं, चलिए उनके बारे में कुछ और इस पाठ से जान लेते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, यदि कोई भारत को समझना चाहता हो तो उसे विवेकानंद को समझना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र। उनका जन्म 12 फरवरी 1863 को हुआ था, तो इसका उड़िया अर्थ है, थोड़े रविंद्रनाथ ठाकुर कहिथिले, यदि केही भारत देश को बुझापी चाहू ताहले प्रथमे तुम्हें विवेकानंद विषय जानवाक हेब। विवेकानंद पिलादिन नाम थिला नरेंद्र। तांकर जन्म 12 फेब्रुआरी 1863 ख्रीष्टाब्दरे होइतिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बालक नरेंद्र बचपन से ही बहुत होनहार थे। वह कुश्ती, घुड़ दौड़, खेलकूद व तैराकी में कुशल थे। बचपन से ही उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया था। इसका उड़िया अर्थ है, विवेकानंद पितांक नाम विश्वनाथ दत्त एवं मातांक नाम भुवनेश्वरी देवी थिला। बालक नरेंद्र पिलादिनरु ही बुद्धिमान थिले। से कुश्ती, घुड़दौड़, खेलकूद एवं तैराकी कार्थ है संतरण पहरीबा रे कुशल थी। बचपन से ही उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया, तो बचपन पिलादिन ही तांकर अलौकिक प्रतिभार प्रदर्शन दे थी। नरेंद्र बचपन से ही विज्ञान और धर्म में विशेष रुचि लेते थे और सदैव विचार मग्न रहते थे। तो नरेंद्र पिलादिनरु ही विज्ञान एवं धर्म प्रति अधिक रुचि रखुथिले एवं सदा सर्वदा विचार मग्न रहुथिले। ईश्वर क्या है, यह संसार क्या है, वे इन प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहते थे। वे सभी धर्म गुरुओं से यह प्रश्न पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है। चलिए इसका उड़िया अर्थ समझते हैं। ईश्वर कौन, भगवान कौन, संसार कौन, से यही प्रश्न र उत्तर खोजिबा को चाहूथिले। से समस्त धर्म गुरु मानंक प्रश्न करूथिले जे आपण भगवान को देखिछंती कि। कोई भी उन्हें सही जवाब नहीं दे पाते थे। अंत में वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले। उन्होंने उनसे पूछा क्या आपने ईश्वर को देखा है, वह क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। इन प्रश्नों को सुनकर रामकृष्ण जी चकित रह गए। वह समझ गए थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान ने इसे मानव जाति के कल्याण के लिए भेजा है।
रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया, हाँ मैंने देखा है, तुम्हें भी इससे दर्शन करा सकता हूँ। नरेंद्र ने उन्हें बहुत परखा और अंत में वे अपना घर त्याग कर उनके शिष्य बन गए। उन्होंने आजीवन संन्यास व्रत का पालन किया, वे भारत माता की सेवा करने लगे। इसका उड़िया अर्थ है कही है तंकर प्रश्न सठिक उत्तर दे पारु नथिले। शेषर से स्वामी रामकृष्ण परमहंस को सहित देखा कले, से तांकु प्रश्न कले, से तांकु प्रश्न कले, कौन आपण ईश्वर को देखिचंती, से कौन करती, से केउठारे रहंती। यही समस्त प्रश्न सुनी सारा पर रामकृष्ण चकित होगले। से बुझीगले जे एहा कौनसी साधारण बालक नुहे, भगवान तांकु मानव कल्याण करिबा पाई एठाकु पठेछंती। रामकृष्ण परमहंस जी उत्तर देले जे हाँ मु देखिछि, मु तुमको मध्य दर्शन करै दे पारिबी। नरेन्द्र तांको बहुत परीक्षा करले रे निजर घर त्याग करी रामकृष्ण परमहंसक शिष्य बनिले। से सारा जीवन सन्यास व्रत पालन कले एवं भारत मातार सेवा करने को लगिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। थोड़े अमेरिका रो शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन रो आयोजन कराई थी। इसमें सभी देश के धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया गया था। तो एठाकू समस्त देशर धर्मगुरु मानंकु निमंत्रण कराई थिला। भारत से स्वामी विवेकानंद वहाँ गए थे। भारतरु स्वामी विवेकानंद सेठाकु जाइथिले। उन्होंने अपने भाषण के प्रारंभ में जब अमेरिकावासी मेरे भाइयों और बहनों कहकर संबोधन किया, तब वहाँ उपस्थित सभी लोगों की तालियां की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उड़िया अर्थ है जिते बले तांकर भाषण आरंभ कले, अमेरिकावासी मोर भाई एवं भौणी कही संबोधन कले, सेते बले सेठारे उपस्थित थिबा समस्त लोक माने जोर रे ताली मारिथिले, क्योंकि किसी ने भी तब तक वहाँ उपस्थित आम जनता को इतने आदर के साथ संबोधन नहीं किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सब धर्मों का स्रोत एक ही है, हम सभी भाई बहन एक सूत्र में बंधे हुए हैं। कारण सेते बेले कौन सी धर्मगुरु उपस्थित थिबा साधारण लोक मानंकु एतिकी आदर रे संबोधन करिनथिले। से तांकर भाषण रे कहिले कि जे सबु धर्मर स्रोत हेउची गोटिए, आमे समस्ते भाई और भौनी गोटिए सूत्र रे बंधा अछु बोले से कहिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी का मत था कि शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा चरित्र पर विशेष बल देना चाहिए। स्वामी जी कहते थे, यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पाप है। उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वे इस मिशन के माध्यम से भूखों, गरीबों, अपा
अपाहिजों और उपेक्षितों की सेवा भी करना चाहते थे। तो इसका उड़िया अर्थ है, स्वामीजी को मत थिला जे शिक्षा पुस्तकीय न होइ, पुस्तकीय ज्ञान रे सीमित न होइ, चरित्र उपरे विशेष भाव गुरुत्व देवा उचित। स्वामीजी कहुथिले जदि तुमर पड़ोसी कहीं भूकरे अच्छी ताहले मंदिर प्रसाद चढ़ेबा पाप अटे। से हिंदू धर्म प्रचार प्रसार से हिंदू धर्म प्रचार प्रसार करिया पाई रामकृष्ण मिशन स्थापन करथिले। से एही मिशन माध्यम रे भूका जे माने भूकर थिले, गरीब अपाहिजो जो कि हैंडिकैप जो हैं, उपेक्षित अनाथ मानंकु से सेवा करबा पई चाहुथिले। स्वामीजी 8 जुलाई 1902 को अपने विद्यार्थियों को प्रवचन देकर हल लेने गए थे। फिर वापस आकर 2 बजे बहुत ध्यान में बैठ गए। वही स्वामी जी को महासमाधि प्राप्त हुई। तो स्वामी जी जुलाई मास 8 तारीख 1902 मसीहा निजर विद्यार्थी मानंकु प्रवचन देकरी दे सारा पर किछि समय बुलिबाकु गले। गोटेटा बेले से फेरिले एवं ध्यान रे बसिले। सही ठारे तांकर मृत्यु होइथिला। यहाँ पर महासमाधि का अर्थ है मृत्यु होना, ठीक है। इस पाठ का अभ्यास कर लेते हैं। नंबर 1 का स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। नंबर ख, नरेंद्र बचपन से किस विषय में रुचि लेते थे? उत्तर, नरेंद्र बचपन से ही विज्ञान और धर्म में विशेष रुचि लेते थे। नंबर ग, स्वामी विवेकानंद के पिता और माता का नाम क्या था? उत्तर, स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नंबर घ, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। नंबर 1, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण से क्या प्रश्न पूछा था? उत्तर, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण से यह प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? वे क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? नंबर 4, स्वामी जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में आम आदमी को क्या कहकर संबोधित किया था? उत्तर, स्वामी जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में आम आदमी को अमेरिकावासी मेरे भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया था। नंबर दो, सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, विवेकानंद जी के बचपन का नाम देवेंद्र था, तो ये गलत है। पर ख, उनकी माता का नाम भुवन मोहिनी देवी था, यह भी गलत है। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नंबर ग, नरेंद्र का जन्म 12 फरवरी 1863 में हुआ था,
यही यह यह सही है। नंबर घ, स्वामी जी का मत था कि शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा चरित्र पर विशेष बल देना चाहिए, यह भी सही है। नंबर वन, विवेकानंद जी ने कहा था गरीबों की सेवा करनी चाहिए, यह भी सही है। नंबर चार, स्वामी विवेकानंद ने जयकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, नहीं वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो यह गलत है। चलिए नंबर तीन देखते हैं। नंबर तीन, रिक्त स्थानों में सही शब्द भरिए। क, नरेंद्र कुश्ती घुड़ खेलकूद, ब, तैराकी में कुशल थे, तो पहला उत्तर होगा तैराकी, यहाँ पर तैराकी होगा उत्तर। नंबर ख, नंदन ने बचपन से ही अपनी अलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया था, यह है ख, अलौकिक नंबर ख का उत्तर है। नंबर ग, डेक्स में विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कलकत्ता, यह होगा कलकत्ता में विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नंबर घ, नरेंद्र सभी धर्म गुरुओं से पूछते थे क्या आपने ईश्वर को देखा है। नंबर व, अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नंबर चार देखते हैं, चलिए नंबर चार देखते हैं। विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द लिखिए का अर्थ है विपरीत शब्द लिखना, जैसे जन्म का मृत्यु, पिता का माता, अंत का आरंभ, प्रश्न का उत्तर, बहुत का कम। नंबर पाँच, वाक्य बनाइए। ईश्वर को लेकर एक वाक्य बनाइए, जैसे ईश्वर पर विश्वास रखो, जवाब को लेकर एक वाक्य बनाइए, मुझे जवाब चाहिए, उद्देश्य को लेकर एक वाक्य बनाइए, हर काम किसी उद्देश्य के साथ करना चाहिए, वापस तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, समाधि झांसी में रानी की समाधि है। तो बच्चों, तुम लोग इस शब्द को लेकर अलग अलग वाक्य बना सकते हो। अब यहाँ देखिए, संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा किसे कहते हैं? कहते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम होते हैं उन्हें व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हम जो जहाँ को विशेष्य पद कही था, तो विशेष्य पद कहा कहा जाए ना, यदि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थानर नाम को दर्शाऊ थाए, ताहले ताहाको व्याकरण रे संज्ञा कहंती, ताहाको विशेष्य कहंती। नंबर छः देखते हैं, संज्ञा शब्द को नीचे रेखा खींचिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं हम जानेंगे। तो चलिए इस वाक्य में संज्ञा के नीचे एक रेखा देते हैं। तो नंबर क, नरेंद्र होगा एक संज्ञा, क्योंकि नरेंद्र एक नाम है। ठीक उसी तरह नंबर ख, गंगा नदी, हिमालय एक एक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों भी नाम है। नंबर ग, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद
गुरु ये सभी संज्ञा हैं। नंबर घ रविंद्रनाथ ठाकुर होगा उत्तर और कवि होगा उत्तर। नंबर व यहाँ पर सड़क होगा संज्ञा। नंबर च बिजली यहाँ पर संज्ञा होगी। तो यह था स्वामी विवेकानंद के अभ्यास के सारे प्रश्न और उत्तर। अंत तक देखने के लिए आप सभी को मेरा शुक्रिया। चलिए।